नमस्कार दोस्तों, बिंजन कुक में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं रिच प्रोटीन सैलेड और ये बहुत हेल्दी है। तो जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं इस सैलेड में मैंने क्या क्या लिया है। दो खीरा जिसको छिल कर काट कर रखा है, एक कप अनार, एक कप चॉप्ड टमाटर जिसके बीज हमने निकाल दिए हैं। ड्रेसिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया है दही। आपको बता दें कि इस दही से हमने पानी निकाल लिया है। जी हाँ, दही को करीब एक घंटे तक बांध के रखा और पानी निकलने दिया और फिर उसमें से जो मठा बना वो हमने यहाँ रेडी रखा है। एक कटोरी चॉप्ड रेड एंड येल्लो कैप्सिकम, 100 ग्राम पनीर, बॉइल्ड मूँगफली, एक बीटरूट और एक गाजर। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल करीब 2 टीस्पून जितना। तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम जिसको थोड़ी देर के लिए हम सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड मूंगफली और पनीर और इन सभी चीज़ों को हम सॉटे करेंगे। अब एक एक करके हम इसमें बाकी सारी चीज़ें भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे लगभग 1.5 टीस्पून नमक, वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहे तो ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिला लेंगे। अब सैलेड की ड्रेसिंग के लिए हम 2 चम्मच हनी इस हंग कर्ड में डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब ये ड्रेसिंग हम सैलेड में डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है ये रिच प्रोटीन सैलेड जो हेल्दी और टेस्टी भी है। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे तरफ से नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप बिंजिंग, कीप कुकिंग।